हेलो एवरीवन, लखनऊ रेंटल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। निवेदन करना चाहूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आज मैं आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस घर का फ्रंट एलिवेशन दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन का आज मैं आपके लिए घर लेके आया हूँ। इसमें 2 BHK एट द ग्राउंड फ्लोर है और एक रूम डाइनिंग एरिया किचन वॉशरूम कवर्ड बालकनी फर्स्ट फ्लोर पर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घर के फ्रंट में जो टाइल्स लगी इसका देखिए काफ़ी खूबसूरत लुक आ रहा है। इस एक वीडियो में मैं आपको 3 डिफरेंट साइज़ के घर दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। यहाँ पे आपको GGL गैस पाइपलाइन का भी कनेक्शन मिल रहा है। तो चलते हैं घर के अंदर और पूरा घर आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। पूरा घर रोड के लेवल से 3 फिट की ऊँचाई पर बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम प्लेट के लिए अलग से सेक्शन है जिसमें लाइटनिंग का वर्क किया हुआ है, सो दैट अगर अंधेरे में कोई आपके घर पे आता है तो आपके नेम प्लेट ईजली विजिबल रहे। जैसे कि स्विगी जोमैटो से आप कुछ ऑर्डर करते हैं या फिर ओला उबर से कोई आ रहा है या फिर कोई आपका गेस्ट भी आ रहा है, तो नेम प्लेट विजिबल रहने से लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। तो चलते हैं घर के अंदर और पूरा घर आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। घर में आपको काफ़ी मजबूत लोहे का गेट मिल रहा है जिसमें इंटरलॉक भी आपको लगा के दिया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं डिज़ाइनर गेट है, काफ़ी मजबूत लोहे का गेट आपको मिल रहा है। यहाँ पे इस घर में बालकनी एरिया और पार्किंग एरिया दोनों में ही आपको फुल फॉल सीलिंग का वर्क देखने को मिल रहा है। बात करें पार्किंग एरिया की तो पार्किंग में आपकी स्विफ्ट सेगमेंट की कोई भी गाड़ी ईजिली पार्क हो जाएगी। पूरा घर पार्किंग एरिया से 1.5 फिट की ऊँचाई पर बना हुआ है। पार्किंग एरिया के ठीक बगल में ये आपका स्पेशियस लॉन एरिया है, यहाँ पर भी आपको टैप्स के कनेक्शन मिल रहे हैं और यहाँ पे अभी टेम्प्ररी बेस पे प्लास्टिक के टैप्स लगाए गए हैं और इसकी जगह यहाँ पे ब्रांडेड स्टील के टैप आपको लगा के दिए जाएंगे। विंडो पे भी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत एलिवेशन वर्क है और साइड वॉल में यहाँ पे अभी फोकस लैंप्स लगना बाकी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेयर्स के नीचे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है इन्वर्टर का और यहाँ पर सर से बात करके अगर आप इसको पूरा कवर करा देंगे तो स्टोरेज पर्पज़ से ये स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं घर के अंदर और पूरा घर आपको दिखाते हैं। बात करें डोर्स की और चौखट की तो यहाँ पे आपको 8 फिट हाइट की यहाँ पे डोर्स और चौखट भी आपको लगा के दिए जा रहे हैं। पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा क्योंकि इतना खूबसूरत मकान और इतने रीजनेबल रेट पर आपको जल्दी लखनऊ में नहीं मिलेगा। ये आपका ड्राॅइंग रूम, जैसा कि हम ड्राॅइंग रूम से अंदर चल रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वॉलपेपर एज वेल एज यहाँ पे जो इंटीरियर का वर्क किया हुआ है आप देखिए इसका काफ़ी ग्लॉसी लुक आ रहा है। ड्राइंग रूम में आपको यहाँ पे टीवी पैनल भी यहाँ पे आपको लगा के दिया जा रहा है और डोर्स के साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वुडन एलिवेशन का वर्क किया है इसका देखिए काफ़ी खूबसूरत लुक आ रहा है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी हाइट की विंडो भी मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो में आपको जिंदल स्टील की ग्रिल्स भी लगा के दी जा रही हैं और मैं एक साइड में खड़े होकर सबसे पहले यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम का स्पेस दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप 5 to 7 सीटर सोफा सेट अलोंग विद सेंटर टेबल प्लेस करेंगे तो भी आपको यहाँ पे कहीं पे भी कंजेशन नहीं फील होगा। पूरे ही घर में आपको यहाँ पे फुल फॉल सीलिंग मिल रही है, इवन पार्किंग एंड बालकनी एरिया में भी। तो जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग रूम दिखा दिया है, ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल को कनेक्ट करता हुआ ये आपका देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आपको सेपरेशन मिल रहा है और यहाँ पे देखिए वुडन एलिवेशन का जो वर्क किया है ऊपर से लाइटनिंग का वर्क किया है इसका देखिए काफ़ी खूबसूरत लुक आ रहा है। इसमें आपको बीच में जब आप कर्टन रॉड लगा देंगे तो आपका ड्राइंग रूम डाइनिंग हॉल एरिया से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ये आपका सेकेंड एंट्रेंस है घर में अंदर आने के लिए जो कि आपके डाइनिंग हॉल एरिया को कनेक्ट करता है। मैं यहाँ पे एक साइड में खड़े होकर सबसे पहले आपको डाइनिंग हॉल एरिया का स्पेस दिखाना चाहूँगा। ये आपका स्पेशियस डाइनिंग हॉल एरिया, यहाँ पे भी आपको फुल फॉल सीलिंग मिल रही है और काफ़ी डिज़ाइनर मिरर का यहाँ पे यूज़ हुआ है। डाइनिंग हॉल एरिया को कनेक्ट करता हुआ ये आपका OTS एरिया है, यहाँ पे आपको मॉड्यूलर वॉश बेसिन भी लगा के दी जा रही है विद डाइवर्टर, ये आप देखिए वारमोरा कंपनी के डाइवर्टर एज वेल एज जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स है सब आपको यहाँ पे वारमोरा कंपनी की मिल रही है। ये आपका OTS एरिया,
इसमें शीट से ऊपर इसको पूरा कवर कर दिया गया है और यहाँ पे मिरर, टाइल्स एज वेल एज एक्स्ट्रा लाइट भी यहाँ पे आपको लगा के दी जा रही है। ये आप देखिए, एक्स्ट्रा लाइट के लिए आप यहाँ पे रॉड को ऑन कर सकते हैं। और इस ओटीएस एरिया को कनेक्ट करता हुआ ये आपका स्पेशियस फर्स्ट इंडियन वॉशरूम, यहाँ पे भी आपको डाइवर्टर लगा के दिया जा रहा है। वॉशरूम में देखिए 4x2 की जो टाइल्स लगाई है इसका काफी बढ़िया लुक आ रहा है। और यहाँ पे वॉशरूम में भी आपको बाथरूम में यहाँ पे फॉल सीलिंग का वर्क देखने को मिल रहा है। मैं एक साइड में खड़े होकर आपको स्पेस दिखाना चाहूंगा। ये आप देखिए काफी बढ़िया स्पेशियस यहाँ पे आपको फर्स्ट इंडियन वॉशरूम मिल रहा है। और अब चलते हैं अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डाइनिंग हॉल एरिया दिखाया था, तो डाइनिंग हॉल एरिया को कनेक्ट करता हुआ है ये आपका काफी खूबसूरत सा किचन और स्पेशियस किचन है। यहाँ पे भी देखिए वुडन एलिवेशन का जो वर्क हुआ है इसका काफी खूबसूरत लुक आ रहा है। और इस किचन की क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लेन कंपनी की यहाँ पे चिमनी लगा के दी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्रेनाइट टॉप रखा गया है इसमें देखिए काफी स्पेशियस यहाँ पे आपको ग्रेनाइट टॉप विद डबल मोल्डिंग का वर्क यहाँ पे करके दिया जा रहा है। ये आपका स्पेशियस कैबिनेट है। इसमें भी देखिए आप यहाँ पे किचन को इजिली वॉश कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज बैक साइड में और साइड में यहाँ पे मार्बल लगा है और फ्लोरिंग और बैक वॉल पे यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, सो दैट अगर आप किचन को वॉश भी करना चाहें तो आप इजिली वॉश कर सकते हैं। ये आपको पुल आउट भी लगा के दिया जा रहा है और इसमें देखिए टैग अभी लगा हुआ है। और हैंडल्स भी देखिए काफी अच्छे यहाँ पे हैंडल्स का यूज हुआ है। बास्केट्स देखिए काफी स्पेशियस यहाँ पे आपको बास्केट्स मिल रही हैं। और ये आपका वॉश बेसिन एरिया, यहाँ पे आपको 3 टैप्स के कनेक्शन मिल रहे हैं। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसमें आपका आरओ लगेगा, गीजर के लिए ऊपर अलग से स्पेस दी हुई है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पे आप अपनी फ्रिज रख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको साइड में पावर प्लग का ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे किचन दिखा दिया है, यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग एज वेल एज काफ़ी अच्छी हाइट की विंडो मिल रही है। यहीं से आप देख सकते हैं आपके डोर को किसने नॉक किया है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट मास्टर बेडरूम में। जैसा कि हम अंदर चल रहे हैं मास्टर बेडरूम की तरफ, तो यहाँ पे दोनों ही बेडरूम्स में देखिए जो वुडन एलिवेशन का वर्क हुआ है इससे देखिए इसका काफ़ी ग्लॉसी लुक आ रहा है। और ये आपका फर्स्ट बेडरूम, आप देखिए काफ़ी स्पेशियस यहाँ पे आपको बेडरूम मिल रहा है, फुल फॉल सीलिंग मिल रही है। एक वॉल पे यहाँ पे आपको वॉलपेपर लगा के दिया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको टॉप हाइटेड यहाँ पे वार्डरोब भी मिल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट मास्टर बेडरूम दिखा दिया है और इसी से अटैच ये आपका सेकेंड वॉशरूम है घर का। और यहाँ पे भी आपको एक खास चीज दिखाना चाहूंगा, फ्लोरिंग में देखिए यहाँ पे 1 इंच का डिफरेंस है, सो दैट अगर आपके वॉशरूम में पानी गिरे तो वॉशरूम का पानी आपके बेडरूम एरिया में ना जाए। और यहाँ पे भी वारमोरा कंपनी की आपको सैनिटरी फिटिंग्स पूरे ही वॉशरूम में मिल रही हैं। तो चलते हैं सेकेंड बेडरूम में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको विंडो भी मिल रही है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। एसी का पॉइंट आपको यहाँ सामने आप देख सकते हैं, एसी का पॉइंट है। डीटीएच की इंटरनल वायरिंग यहां पे आपको मिल रही है। अब हम चल रहे हैं सेकंड बेडरूम में। तो घर का ये सेकंड बेडरूम है और पूरे घर के जितने भी डोर्स हैं सब में आपको स्टॉपर मिल रहा है, फुल फॉल सीलिंग। और फॉल सीलिंग देखिए इसका काफी ग्लॉसी लुक आ रहा है। एक वॉल पे यहां पे आपको वॉलपेपर मिल रहा है, जबकि इस एक वॉल पे आपको यहां पे पीवीसी पैनल लगा के दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए दोनों ही स्विच बोर्ड्स के बीच में जब आप अपना डबल बेड प्लेस करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है। साथ ही साथ फ्रंट में यहाँ पे आप टीवी लगा सकते हैं, टीवी के लिए इंटरनल यहाँ पे आपको वायरिंग मिल रही है, यहाँ पे आपकी टीवी लग जाएगी। और बात करें अगर अलमीरा की तो इस बेडरूम में भी आपको टॉप हाइटेड यहाँ पे वार्डरोब मिल रही है जो कि पूरी हाइड्रोलिक बेस पे है। मैं आपको खोल के भी दिखा दूँ,
ये आपका स्पेशियस वार्डरोब, वुडन का जितना भी आप वर्क देख रहे हैं, चाहे किचन हो और चाहे वार्डरोब्स हो, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक बेस मिल रहा है, यानी कि आपको डोर्स को, चाहे वो किचन का मॉड्यूलर किचन में जो पल्ले हैं उनको आपको फोर्स करके नहीं बंद करना है, आपको ऐसे ही उसको छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। और इस बेडरूम को अटैच करता हुआ ये आपका वॉशिंग एरिया, देखिए काफ़ी बड़ा वॉशिंग एरिया, यहाँ पे 3 फिट तक का यहाँ पे टाइल्स का यूज़ हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए आपको 2 टैप्स के कनेक्शन मिल रहे हैं, अगर आप चाहें फर्स्ट बेडरूम में यहाँ पे कूलर लगाना चाहें तो आप कूलर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि देखिए वॉशिंग एरिया में काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे स्पेस मिल रही है, चारों तरफ यहाँ पे टाइल्स लगा दी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपका स्टोर कम पूजा रूम, और अगर आप चाहेंगे इसको भी कवर कराना तो उसको भी कवर करके आपको दे दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे वॉशिंग एरिया मिल रहा है, कम ओटीएस एरिया, और जाल के ऊपर आप देख सकते हैं शीट से इसको पूरा कवर कर दिया गया है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अभी मैं आपको ये जो घर दिखा रहा हूँ ये 1000 स्क्वायर फिट प्लॉट एरिया पे बना हुआ है, 20x50 का डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पे आपको 1200-1100 के साइज पे यहाँ पे और भी घर मिल जाएंगे। तो जैसा कि अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, यहाँ पे स्टेयर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेनाइट और टाइल्स का देखिए काफ़ी खूबसूरत काम हुआ है, साइड में यहाँ पे स्टील का वर्क हुआ है, बालकनी एरिया में भी यहाँ पे आपको फॉल सीलिंग मिल रही है। अब जैसा कि हम चल रहे हैं बालकनी एरिया में, ये आप देखिए काफ़ी बड़ी और स्पेशियस बालकनी एरिया, और मैं लाइट खोल के भी आपको दिखा दूं, यहाँ से देखिए आपको MCB बोर्ड मिल रहा है, यहीं से आप अपनी लाइट को ऑन कर सकते हैं, ये आप देखिए लाइट ऑन हो गई। और अब हम चल रहे हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में, इसमें देखिए एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपको चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आपको 2 एंट्रेंस मिल रहे हैं, और ये आपका फर्स्ट बेडरूम, इसमें भी आपको फुल फॉल सीलिंग मिल रही है, और इस बेडरूम से अटैच ये आपका वॉशरूम, देखिए काफ़ी बड़ा आपको स्पेशियस वेस्टर्न वॉशरूम मिल रहा है, और मैं एक साइड में खड़े होकर स्पेस दिखा दूं आपको, ये देखिए आपको काफ़ी बड़ा स्पेशियस फर्स्ट बेडरूम एट द फर्स्ट फ्लोर मिल रहा है। ये आपका सेकेंड एंट्रेंस है, और इसमें देखिए प्रॉफिटेबल पार्ट क्या है, मैं आपको एक साइड में खड़े होकर सबसे पहले डाइनिंग हॉल एरिया प्लस किचन दिखाना चाहूँगा, देखिए काफ़ी स्पेशियस डाइनिंग हॉल एरिया है, और यहाँ पे भी आपको फुल फॉल सीलिंग मिल रही है। ये जो आप घर देख रहे हैं ये कॉर्नर का घर है और पूरब दिशा का घर है, यहाँ पे आपको 2 घर 1000 स्क्वायर फिट प्लॉट साइज़ के यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें सेम इंटीरियर वर्क आपको करके दिया जाएगा। एक डेमो के लिए मैं आपको यहाँ पे अंदर से दिखा दूँ, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट है, और ये आप देखिए सेम कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, और ये कॉर्नर का घर है, पूरब दिशा का है, तो आप जितनी जल्दी इसको आके देख लेंगे उतना ही आपके लिए लेने में आसानी होगी। और ये देखिए ये पूजा के लिए अलग से मंदिर बनाया जा रहा है, और ये सेकंड बेडरूम, और सेम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी 1 रूम डाइनिंग किचन ये सब आपको मिलेगा, 1 BHK एट द फर्स्ट फ्लोर एंड 2 BHK एट द ग्राउंड फ्लोर। और एक खास चीज़ आपको दिखा दूं कि मेन रोड यहाँ से मुश्किल से 50 कदम की दूरी पे है, ये आप देखिए ये जो गेट है ये मेन गेट है कॉलोनी का, यहाँ पे आपको काफ़ी मजबूत आयरन मेड गेट मिल रहा है,
छत पे पूरा आपको फ्लोरिंग, टाइल्स की फ्लोरिंग मिल रही है। लोकेलिटी का आप एक लुक देख लीजिए। सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए आपको स्टेयर्स मिल रही है। साइड में यहाँ पे भी अभी टेरेस पे ये जो आप टैप्स देख रहे हैं प्लास्टिक के, इसकी जगह आपको ब्रांड के वारमोरा कंपनी के टैप्स लगा के दिए जाएंगे। अभी ये टेम्प्रेरी बेस पे लगे हुए हैं। डीटीएच वायरिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे वायर्स का एग्जीक्यूशन यहाँ पे हुआ है। ये जो आप आयरन मेड गेट देख रहे हैं, इसको ऊपर भी देखिए, यहाँ पे छत को थोड़ा आगे से आगे की तरफ निकाल दिया गया है, सो दैट बरसात में आपके जो लोहे का गेट है इस पर पानी ना पड़े। और ये आपका ओटीएस एरिया देखिए, पूरा इसको वेल पैक है ये शीट से। यहाँ से आप अपने जो वाटर सप्लाई है ऊपर से नीचे की तरफ, कभी आपका नीचे कोई टैप ख़राब होता है तो आप यहाँ से सप्लाई को रोक सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड, रिलेटिव या नोन पर्सन से इसको शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे।